अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, एक सवाल किया गया है मुंतहा नाम के ताल्लुक से, और सवाल कुछ इस तरह से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मुंतहा नाम रख सकते हैं या नहीं बच्ची का? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मुंतहा हा के ऊपर ज़बर और या के ऊपर खड़े ज़बर के साथ, इसका मतलब है आखिरी हद, इंतहा, खात्मा। और एक लफ्ज़ इस तरह से है मुंतही, यानी हा के नीचे ज़ेर के साथ और या साकिन के साथ, इसके माना है इंतहा को पहुंचने वाला। बाहर केफ माना के एतबार से बच्ची का मुंतहा नाम रखने में किसी भी किस्म की कोई ख़राबी नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, बच्ची का मुंतहा नाम रखा जा सकता है। अलबत्ता सबसे बेहतर बात यह है कि बच्चियों के नाम सहाबियात के नामों पर रखे जाएं, या फिर उम्मत की नेक मुसलमान ख़वातीन के नामों पर रखे जाएं, ये सबसे ज़्यादा बेहतर बात है। अगर आपका कोई और सवाल हो या आप किसी नाम के ताल्लुक से कुछ मालूम करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़कत वल्लाहु आलम।